गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एंड न्यू ज्योति एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर 3, द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर मैजिकल क्रिएचर, पेज नंबर 122 एंड 123। अब मरमैट, हमने बतलाया मत्स्यांगना या जलपरी। The mermaid is an aquatic creature with the head and body of a woman. Instead of legs, this creature has the tail of a fish. The mermaid can breathe underwater and are associated with floods, storms, and shipwrecks. Sometimes they show kindness and grant boons to humans. Some stories tell us about mermen who exist along with mermaids in the deep sea. Although there is no scientific proof of the existence of mermaids, but people often claim to have seen one. Stories of mermaids are very popular to this day. तो मत्स्यांगना एक जलीय प्राणी है जिसका शरीर, सिर और शरीर दोनों एक महिला की भांति होता है, और इस जीव को टांग की जगह मछली की पूंछ होती है। यह पानी के नीचे भी श्वास ले सकती है और बाढ़, तूफान और जहाज के मलबे से ये जुड़ी हुई होती है। कभी कभी वे दया दिखाते हैं, दयालु होते हैं, और तब मानवों को वरदान भी देते हैं। कुछ कहानियां हमें इनके मर्मों के बारे में बतलाती है। जो गहरे समुद्र में जल परियों के साथ रहती है, हालांकि मत्स्यांगना के बारे में, जलपरी के बारे में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी लोग अक्सर दावा करते हैं कि आई हैव सीन वन, मैंने एक देखा है। जलपरी को देखने की बात लोगों ने कहा कि देखा है। तो मत्स्यांगनाओं की कहानियां आज भी बहुत लोकप्रिय है। इस पक्ष को लेकर के कई एक मूवी भी बने हैं, सीरियल्स भी बने हैं, कहानियां भी लिखी गई है जो बहुत ही रोचक है। अब हम लोग जानेंगे स्फिंक्स के बारे में। द स्फिंक्स वास the ferocious guardian of a temple with the body of a lion, the head of a human, the wings of an eagle and the tail of a serpent. तो स्फिंक्स एक मंदिर का संरक्षक था जो बड़ा ही क्रूर हुआ करता था, जिसमें शरीर एक शेर का होता था, सिर मानव का होता था, पंख चील की तरह होते थे और पूंछ सांपों की तरह होती थी। While the Greeks supposed each to be merciless to those who fell the soul its rider। जो लोग
इसके राइडल को सुलझाने में, पहेलियों को सुलझाने में असफल हो जाते थे, विफल हो जाते थे, उनके लिए क्रूरतापूर्वक दंड दिया जाता था, इसलिए ये निर्दयी भी कहलाता था। तो द एजिप्टियन लुक्ड अपॉन इट एज बेनिवोलेंट। देयर आर रेफरेंसेस टू द स्फिंक्स ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज। मिस्रवासियों ने स्फिंक्स को परोपकारी के रूप में देखा है और ये तमाम चीजें ब्रॉन्ज एज के संदर्भ में है। ये सब कांस्य युग में पाए जाते थे। तो फिनिश दिस चैप्टर एंड योर होमवर्क इज यूनिट 5 चैप्टर 3 पेज 125 CD डू इन योर कॉपी। हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे नए चैप्टरों के साथ। थैंक यू वेरी मच।